पकड़ लिया नाम गा मधुर स्वरे नाम गोरा नाम गा गोरा मधुर स्वरे गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम
को बदने हरि नाम कर रहे। अब कभी देखना, कभी अगर ज्यादा दुख आ जाए ना, हम भगवान की भजन करने तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं भैया सुख में रहो नहीं तो दुख में रहो, किसी अवस्था में क्यों नहीं रहो, हर समय भगवान की याद करते रहो। अपने मक्का कुर्ती के नाम सुने हैं, और कौन सुने कुर्ती का नाम, ये पंच पांडव की माँ थी। जब भगवान कृष्ण बोले बुआ जी मेरे से बर मांगो, पुत्री ने क्या बर मांगी, बोले कन्हैया अगर देना चाहते हो मेरे छोटे में विपत्ति भर दो, क्या भर दो, विपत्ति भर दो। कृष्ण बोले सारा दुनिया मेरे पास में आते हैं, कितना सुख संपत्ति घर आवे, दुख कष्ट तन का जय जगदी सारे। दुनिया कहते हैं हमारे दुख कष्ट दूर हो घर में संपत्ति आए, कह तू दुख क्यों मांग रही हो। देखो पुत्री क्या कहती है, बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि यो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। आगे जो सुख में जो सुमिरण करे सुख में क्या होता है, दुख इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया सुख में रहो और दुख में किसी अवस्था में क्यों नहीं रहे, क्या करते रहो, भगवान को भूलो मत। भगवान की भूलना नहीं, हर समय भगवान की नाम जप करते रहो, भगवान की नाम जप करते रहो। जितने भगवान के नाम जप करोगे उतना तुम्हारे दुख दूर जाएगा और जीवन में शांति सुख आएगा, शांति सुख आएगा। बल्कि भगवान के नाम लेने से कितना सब दुख दूर जाए जब कर नाम लिया। बल्कि अगर बहुत बड़ी अगर जीवन में दुख आने का हो, भगवान के अगर नाम लोगे तो वो बड़े से बड़े दुख चुटकी बजा के इसी तरह से वहां खत्म हो जाएगी अगर भगवान के नाम करेंगे तो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं किसी अवस्था में क्यों नहीं रहे, हर समय में भगवान के नाम जप करो। हरि का जैसे अजामी वाल्मीकि के नाम सुने हो, वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता, जब उसको नारद बोले बोलो राम, उसको मुंह में राम के नाम नहीं निकला, उसको मुंह में राम के नाम ही नहीं निकला। तब नारद जी बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले बड़ा बड़ा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जप कर जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, बोले नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन भाई। इसलिए भगवान के नाम लेने से क्या होता है, जीवन का समस्त दुख कष्ट दूर हो जाती है। इसलिए कहते इसी तरह सभी प्रभु का नाम जप करे। गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं, आप लोग कभी खेती में बीज बोए हो, कौन कौन खेत में बीज लगाए, हाथ उठा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक अच्छा उदाहरण दिया, जैसे जैसे आप लोग तो भारत से आए हो, यहाँ भी देखना जैसे गहम नहीं तो धान, अब देखना जब खेती बीज बोता है उसको लेकर कैसे ऐसे जमीन में फेंक देता है कैसे, ऐसे गेहूं पर धान को फेंक देता है। आप देखना वो बीज उल्टा पड़े और सुलटा पड़े, लेकिन जो वृक्ष होता है कैसे होता है, हर गुरु जोर से सीधा होता है, भले वो बीज जैसे क्यों नहीं पड़े, लेकिन जब पेड़ होगा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, पेड़ सीधा होगा। उसी तरह अगर हम भगवान के नाम किसी तरह से भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसका जो फल है ना वो फल कभी उल्टा नहीं होगा, उसका फल सीधा के सीधा होगा। क्योंकि जो भगवान का जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर कहते माया जाले बद्ध होए अच्छा पीछे काज लगे, आया जाले बद्ध होए अच्छा पीछे काज लगे, I'm gonna go.
हम राम गए और ऐसे करते करते जीवन खत्म हो गया।
कर फिर भगवान ये मानव शरीर दोबारा नहीं देंगे। इसलिए भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये मेरा उपदेश है, क्या करो जीवन रहते रहते भगवान की भजन में लग जाओ। इसलिए एक बार सब हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare
अंजलि अंजलि आज अंजलि तिथि की जन्म तिथि है। बहुत बढ़िया बात, इसलिए आज इनकी जन्म तिथि है और इन्होंने अपना जन्म तिथि को उपलब्ध कर दिया। फिर दूसरी है, उन्होंने जो घर लिए हैं, इनकी इच्छा थी हम लोग ने नया घर लिया है, ये नए घर में भगवान का कीर्तन हो, भगवान की सत्संग हो, जिससे घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाए। इसलिए हम लोग कहते ना मंगल भवन, घर बोलो मंगल भवन काम करे, अगर भगवान के नाम को लेकर के करे तो क्या होता है, जितने सारे अमंगल घर की दूर हो जाते हैं। और विशेष करके आज इनकी जन्म तिथि है, साधारण लोग क्या करते हैं, अपना जन्म तिथि में सारे यार दोस्त को बुलाएंगे और बीजी पता नहीं डिस्को डांस करेंगे और कितना बोतल तोड़ देंगे, बोतल तोड़ना जानते हो, शराब पियेंगे और कितना मुर्गा को पता नहीं खत्म करते हैं, है ना, करते हैं कि देखो हमारे हमारे भारत में एक बहुत बड़े संत हुए, वो ये बात को कहा करते थे, देखो ध्यान देकर सुनो क्या कहते थे, जैसे किसी की जन्म तिथि में भगवान के नाम से अगर कर तो उसमें सर मंगल होता है, अगर जिसकी उद्देश्य में हम इतने शराब का बोतल तोड़वाएंगे और इतना मुर्गा मुर्गियों को खत्म करेंगे, इतना बकरा को खा जाएंगे, अगर जिस घर में ये सब गंदे काम हो, वो संत कहते थे अगर उसका उम्र 50 साल 100 साल हो ना, उसी दिन उसका उम्र 50 साल ना रहे। बोले क्यों, बोले जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवाया, इतने जानवर को तुमने मरवाया और इतने तुमने गंदा काम किया है, वो व्यक्ति का कभी कल्याण हो सकता, बहुत बड़े संत की बात है, बहुत बड़े संत। इसलिए वो संत कहते थे हमारे भारत का ट्रेडिशन क्या है, घर में कुछ काम होना आप देखना, घर में कीर्तन करते हैं, माता है ढोल की मजरा लेकर कीर्तन करते हैं, ठाकुर का भजन करते हैं, क्यों, अगर जीवन में कुछ थोड़ी बहुत अगर पाप हो, भगवान के नाम से ये पाप हमारी खत्म हो जाती है, हमारे पाप हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए पुराण में एक श्लोक बता रहे, फिर जो भगवान की जो नाम है ना, भगवान का नाम से क्या होता है, बोले सर्व उपद्रव समनम, सर्व रोग उपशमनम, शांतिदम, शांति विष्टम, हरि नामान कीर्तन, कहते हरि का नाम से क्या होता है, बोले सर्व उपद्रव समनम, जितने सारे उपद्रव है उसको काम कर दो, कहते सर्व उपद्रव सहनम, जितने सारे उपद्रव है, एक दूसरा भाई का ना प्रभु याद रहे, देखो हरे कृष्णा, ठीक हो गया, कहते सर्व सर्व उपद्रव सहनम, हरे कृष्णा, उसका ये माइक कहाँ है, नीचे उसको ऊपर रख लो, ऊपर रख लो ऊपर पकड़ा दो उसको, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही, हरे कृष्णा, हाँ ठीक ठीक ठीक, बोले सर्व उपद्रव समानम, कल जीवन में जितने उपद्रव है, जितने दुख कष्ट है, यदि भगवान के नाम से ये सारे उपद्रव दूर हो जाता है, बोले सर्व रोग उपशमनम, कल जितने रोग है वो समस्त रोग दूर हो जाता है, बोले शांतिदम, भगवान का नाम से क्या होता है, जीवन में शांति सुख मिलता है, शांति इष्टम, कहते भगवान का नाम लेने से जितने हमारी अरिष्ट है, जितने शत्रु है वो भी विनाश हो जाता है, बोले हरि नामान कीर्तन, है अगर कोई भी काम करो हरि का नाम से करो तो ये समस्त दुख कष्ट दूर हो जाता है भगवान के नाम से। इसलिए बोले वहां पर बताए जे गोकर की कन्या ग्रहणी खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास, यहाँ पर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति करोड़ों गैया को दान दे, कहते उसमें जो पुण्य मिलती है, बोले प्रयाग गंगोदक कल्पवास, हम लोग भारत से आए हैं, माघ महीना में
कुछ लोग जो प्रयाग में माघ महीना में वो कल्पवास करते हैं, एक महीना तो वहीं पर रहेंगे, रोज स्नान करेंगे, सत्संग करेंगे। कहते अगर कोई करो काल का कल्पवास करे तो सुमेर सुवर्ण दानम, कहते सुमेर पर्वत जैसे, अगर कोई सोने को दान दे, सुमेर पर्वत जैसे अगर कोई सोने को भी दान दे, लेकिन जो कृष्ण नाम के एक कण का कणा के बराबर भी कृष्ण नाम को साथ में कलेश को तुलना कर ही नहीं सकते हैं। कृष्ण नाम में इतने शक्ति कृष्ण नाम है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हम पहले बताए थे ना, रूप गोस्वामी कहते जो व्यक्ति हरि का नाम करते हैं उसका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, हर बोल सो भूल गए। पहला काम होता है जमपुर में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है। चित्रगुप्त कौन है, हमारे जीवन का सारे लिखा जोखा को जो करने वाला, बोले चित्रगुप्त को बोलते हैं, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति हरि का नाम ले रहा है, इसका नाम को यहाँ से काट दे, मतलब ये कभी हम नरक में नहीं आएगा। बोले दूसरा काम क्या होता है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलती है रजिस्टर ले आ, बल्कि इसीलिए बल्कि एक व्यक्ति का नाम को यहाँ पर चढ़ा दे, दिखा दे, क्योंकि मेरा नाम ले रहे ना, वो सीधा कहाँ आएगा, गोलोक वृंदावन आएगा। बोले तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की जब थाला आपको सजाना शुरू कर देते, क्योंकि व्यक्ति जब भूर भूव पार करते करते ब्रह्मलोक को पार करेगा उसी समय में उसको मैं बीच में आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा। इतने महिमा जो भगवान के नाम को जो ग्रहण करते हैं, इतने महिमा। इसलिए आज हमारी श्री अंजलि दीदी की गुरुदेव ने नाम दिया, आज इन्होंने इनकी जन्मतिथि को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने उल्टा पुल्टा कोई डिस्को ध्यान से नहीं करवाए, शराब नहीं पिलाए लोगों को, मांस मछली नहीं खिलाए, आज इन्होंने क्या किया, घर में भक्तों को बुला करके हरि कीर्तन करा रहे हैं। मतलब इससे दुनिया में बड़ा काम जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए ताली बजाओ। जिसकी उद्देश्य में ये सब काम होता है ना, उसका परमा भी बढ़ जाती है, उसकी परमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इतने महिमा भगवान की नाम कीर्तन में, इतने महिमा हरि नाम में है, इतने महिमा हमारे हम बोलते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त श्रीवास पंडित, यानी कथा कथा ये दूसरे ग्रंथ देखो उसमें क्या कथा है, ये हरि का नाम में कितनी शक्ति है। वो कथा ही है कि ये जब जन्म हुए कि पिता माता ज्योतिष को पास में गए, ध्यान दे सुनो ये हरि नाम में कितनी शक्ति, तब उन्हें ज्योतिष को पास में गए और उन्होंने बोले इनकी भविष्य क्या है, इनका भविष्य क्या है, बोले ये जो बच्चा है हरे कृष्णा, कहते ये जो बच्चा है ये 15 साल में मरने वाला है। कितना साल में, ये 15 साल की बच्चा मरने वाला, अभी इसको सुनकर के पिता माता बड़े दुखी हो गए। अगर कोई बोले तेरा बेटा 15 साल में मर जाएगा तो बड़ी चिंताएं पड़ेगी, उन्हें दूसरे में पूछे बोले एक ही बात बताई, अब बड़े दुखी हो गए। लेकिन जब उनका धीरे धीरे उम्र हुआ, जब उनको पता चला ज्योतिष ने मेरे को 15 साल में मरने के लिए बताया, तो उन्होंने सारे ग्रंथों को ढूंढा बचने का कोई उपाय है, अगर किसका मृत्यु है क्या कोई बच सकता है क्या, तो उन्होंने सारे शास्त्र ढूंढे, सारे शास्त्र ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने ये कली 70 उपनिषद जब उनको पढ़े, तो उन्होंने देखा वहां पर लिखा हुआ है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहे। हरे कृष्ण हरि बोल, चल साउंड तेज कर दो, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज आ रही है पीछे तक, पीछे तक आवाज आ रही है, कहाँ तक आ रहे हैं, हाथ उठाओ तो। हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण,
थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, जो पीछे आए वो पीछे बैठे, जो आगे आए वो आगे बैठे। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण, ठीक है, एक बार सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इतने भक्त लोग आज बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए, भूख लग गया तभी तो प्रसाद में आनंद आएगा, तो जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, ठीक हरे कृष्ण, ये ठीक आवाज आ रही है ना पीछे? हाँ, देखो ध्यान देकर सुनो, भगवान के नाम से कितने शक्ति से मृत्यु भी टल जाती है। तो उन्होंने शास्त्र ढूंढते ढूंढते उनको श्लोक मिला, वो शास्त्र में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। तो उन्होंने देखा शास्त्र में कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये भगवान का नाम को जप करता है उसका जीवन का जितने विपत्ति है कितना सब दुख दूर जाए, जब तेरा नाम लिया, भगवान के नाम से जीवन का जितने विपत्ति सबके सब टल जाती है। अरे कलयुग में ये जो हरि का नाम है, अब विशेष करके कलयुग में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरि नाम महामंत्र को जो जप करेगा उसका जीवन का सारे दुख कष्ट टल जाएगा। उसने इसको देख करके बोले थे, शास्त्र में बताया कलयुग में भगवान का नाम से जितने शत्रु है जितने दुख कष्ट है जितने, बच्चे लोग कहां पर ये बच्चों को चुप करा जाओ, इनको इनके घर में इनको दे दो, वही बात करते हैं। हरे कृष्ण। तब उन्होंने देखा ये भगवान का नाम से तो बताया सब कुछ हो जाएगा। इतने में जो श्रीवास पंडित है वो तब से ये हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया, और ज्योतिष ने ये बता दिया था अमुक दिन तुम्हारी मृत्यु है, वो भी बता दिया था, पहले अच्छे अच्छे ज्योतिष होते थे। तो उसी दिन क्या किया, ठाकुर के सामने आसन लेकर बैठ ही गए, और बैठ ही करके ये भगवान का नाम उन्होंने जप करना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम जप कर रहे थे। अभी इनकी मृत्यु आई, जब मृत्यु आई कहते जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते है ना वो कहां बैठे हैं, बोले ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं। कहां पर बैठे? ठाकुर जी की गोद में बैठे, इसलिए कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है। इतने में जब उसकी मृत्यु की समय आई, हठात उसने बेहोश हो गया। इसको बाद में देखा किसी ने उसको गाल पर बड़े जोर से तमाचा लगाया, थप्पड़ लगाए। जब थप्पड़ लगाए ना, इतने में उसका तो होश आ गया, होश होता आ गया, देखा कि कोई है यहां है नहीं, कोई है यहां है नहीं, लेकिन उसका मृत्यु नहीं हुई, मरा नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना विष्णु की खटिया के ऊपर बैठी करके एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनकी जीवन बता रहे थे, तुम्हारे जीवन में कैसे विपत्ति आई और मैंने कैसे तुमको विपत्ति से उद्धार किया। एक भक्तों को बोले, देख तेरे को याद है? बोले किया, पहले हमारे भारत में मुसलमान राजत्व था महाबुद्धा समय पर, एक समय मुसलमानों ने हिंदुओं को आक्रमण किया। जब आक्रमण किया, कोई एक भक्त था, देखा तो मेरी बेटी बहू की इज्जत ले लेंगे मुसलमान। उसने राता रात अपना बेटी बहू को लेकर घर से भाग गया, भाग करके सोच रहा है मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इतने में गंगा नदी बह रही थी, उनने गंगा किनारे में आ गया, आकर के प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु मेरी स्त्री और बेटी की इज्जत एक मुसलमान ले जाए, आप मेरे को बचाओ। जब बोले इतने में रात 2 बजे एक व्यक्ति नाव लेकर गया, रात 2 बजे एक व्यक्ति नाव लेकर गया। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मुसलमान आक्रमण किए हैं, मेरी बेटी बहू की इज्जत ले लेंगे, आप मेरे ऊपर कृपा करो, किसी तरह से हम ये गंगा पार करा। बोले बैठो नाव में। तो उन्हें नाव में बैठा करके उन्होंने उनको गंगा पार करा दिया। जब गंगा पार करा दिया,
अभी श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों का नाम ले लेकर बुला रहे, जब इनके नाम पर आया बुलाया, बोले तेरे को याद है जो मुसलमान ने आक्रमण किया, तुम अपना बेटी बहू को घर से लेकर के निकल गया और गंगा किनारे आया था। बोले हाँ याद है। बोले उसी समय तुम बुला रहा था, हे प्रभु ये मुसलमान बेटी बहू की इज्जत ले लेंगे, हमें बचाओ, तुम बुला रहा था ना। बोले हाँ। बोले रात 2 बजे एक व्यक्ति नाव लेकर आया, तेरे को याद है। बोले प्रभु आपने कैसे बताया। बोले मैं ही था, क्योंकि अगर मेरे को सात दिन से कोई अगर ठुकराता तो बच्चों को मना नहीं कर सकता इनको। इनको एक घर में, बोले एक घर में चलो। हरे कृष्ण। इसलिए हमारे हिंदी में कीर्तन है ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तो। भगवान सब भक्त के लिए अगर हमको दिल से पुकारे ना, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। महाप्रभु जब इनकी नंबर आया श्रीवास पंडित को, बोले श्रीवास याद है तेरे को ज्योतिष ने बोला था तेरे को 15 साल में मृत्यु। बोले हाँ प्रभु जी। बोले तुमने बड़े चिंता में तुमने सारे ग्रंथों को ढूंढते ढूंढते पुराण में देखा, जो हरि का जो नाम ग्रहण करते हैं उनका सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, सर्व उपद्रव समनम, सारे दुख कष्ट विपरीत दूर, तब से तुमने ये हरे कृष्ण महामंत्र जप किया। बोले हाँ प्रभु जी। बोले जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समय था, जब तुमने बेहोश हो गया था, तुमको याद किसने का थप्पड़ मारा था। बोले प्रभु आप कैसे बताए। भगवान कह रहे बोले आप कैसे बता। बोले श्रीवास तुम मेरे नाम रूपी नाव में तुम बैठा हुआ था, नाम की सहारा ले रहा था तुम, जब तुमने हरि का नाम ग्रहण किया तुम्हारी जो मृत्यु था ना, तुमको जमदूत लेने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि तुम मेरे नाम के आश्रय लिया हुआ था, हैं नाम के आश्रय को तुमने लिया हुआ था, इसलिए मैंने उनको थप्पड़ मारकर भगा दिया था, वहां से थप्पड़ मारकर भगा दिया था। और कितना दिन तक जिंदा रहे, कितना दिन तक, 15 साल में मृत्यु थी और कितने साल तक। यहाँ पर कहते हैं जो भगवान का नाम को ग्रहण करते है ना, हमारे दिल्ली में जो राधानाथ प्रभु का जो पिताजी, उनको कैंसर हो गया, डॉक्टर बोला 6 महीना तुम्हारे पास, और नौकरी कर रहे थे, जब देखा मेरे 6 महीना में मर जाऊंगा कैंसर, नौकरी छोड़ दिया। और उन्होंने बोले जब मरी जाऊंगा तो उन्होंने 1-1 लाख हरिनाम जप करना शुरू किया, 1-1 लाख रोज रोज है 64 माला करना शुरू किया। जानते हो कितना दिन तक बचा, 16 साल तक बचे। इसलिए कहते ना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया। भगवान के नाम में इतने शक्ति है, भगवान के नाम क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए हम सोच नहीं सकते भगवान के नाम में। वाल्मीकि को देखो, जो डाकू था, डाका डालता था, जिसको नारद बोले बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्यों, पापी था ना, पापियों को मुंह से तो प्रभु का नाम नहीं निकलता है, हैं? उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, डाकू डालता था ना, डाका डालता था, बोले मारो मारो, बोले हाँ, बोले भैया तू मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोला इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते ना उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और इन्होंने अब रामायण देखे होंगे, लवकुश देखे होंगे, लवकुश क्या कह रहे हैं राम को, बोले प्रभु मेरे जो गुरु जी जो वाल्मीकि आप आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख चुके थे, पहले ही अपना दिव्य दृष्टि से आपकी सारे लीलाओं को दर्शन करते हुए पहले लिख चुके थे, हैं? इसलिए वो कथा जो गुरु जी हमें जो सुनाया आज आपको राम दरबार में, वो कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम में बड़ा शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति को वो जिंदा कर सकता है भगवान की नाम में इतने शक्ति। इसलिए क्या करो विश्वास करते हुए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या जानते हो, हमारे भगवान के नाम में विश्वास नहीं, जानते हो विश्वास कहाँ, सिनेमा में
गंदी गंदी चीज, जो झूठा चीज, जिसको एक रूपक दे करके एक सिनेमा बनाएगा। हाँ बता, सिनेमा क्या है? सही चीज है, वो सारे झूठे चीज, लेकिन तीन तीन घंटा आग फाड़ फाड़ कर देकर बैठेगी। लेकिन बोलो थोड़ा हरि का नाम पर है, हरि का नाम से क्या होता है? कुछ नहीं होता, बेकार था। जिसमें जीव का कल्याण है उसमें हमारे विश्वास नहीं, लेकिन सिनेमा में विश्वास है हमारे, जितना हीरो हीरोइन में हमारे सारे विश्वास है, लेकिन भगवान के नाम में हमारी विश्वास नहीं। यही हमारी दुर्भाग्य का चीज है, यही हमारी दुर्भाग्य है। इसलिए सबके सब भगवान के नाम जप कर, ठीक है? मेरे पीछे भी सबके सब ताली हो जाती है, जोर जोर से हरि नाम करना। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Hare 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 Hare
और उसको सुन सुनकर खुश होता था और जो मन की बात और किसी रानी से नहीं बोलता था वो तीसरी नंबर रानी को मन की बात कहा करता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बहुत अच्छी बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब से उसने उनको घर में शादी करके लाई ना उसी दिन से उसको साथ में राजा कोई सम्मत नहीं रखा, कभी उसको पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछता नहीं था। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी मेरे को शादी करके लाए ये कभी पूछता नहीं तेरे पास में कुछ है कि नहीं। अभी राजा को अंतिम समय आया, अंतिम सब तक मृत्यु का समय आया, जब मृत्यु का समय आई सोचा मेरे चार चार रानियां हैं इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहां पर तुम्हारी साथ देती है। तो उन्हें सबसे बड़ी रानी नंबर आई, सोचा इसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था सबसे बड़ी रानी से पूछता हूँ तू मेरे कहां पर साथ में चलोगी हैं। बड़ी रानी कौन थी बोलो, बड़ी रानी सबसे बड़ी रानी कौन थी जिसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था वो, पीछे जो माता है तो कोई बोल नहीं रहा क्या बात है कथा नहीं सुन रहे। जिसको जो इच्छा जिस समय जो करती थी राजा उसको सारी इच्छाओं को ये पूरा करती थी, इसकी इच्छा पूरी करती थी। राजा उसको बोले तो साथ में चलो थी रानी मेरे साथ में, लेकिन रानी जो सबसे जो बड़ी रानी थी ना वो सबसे ज्यादा धोखे थी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों नहीं, तेरे लिए जो मैंने इतना की बोले तेरा कर्तव्य था, बोले तेरी बोले मेरा तेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं। राजा को बड़ा दुख मिला, बोले सबसे ज्यादा धोखा भूल गई। अब दूसरे नंबर आए, दूसरे नंबर कौन थी, कौन थी दूसरे नंबर, हाँ बहुत सुंदर थी भैया ठीक से सुन रहे हैं। जो सबसे सुंदर थी राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी है कितने सुंदर है। राजा दूसरी नंबर रानी से पूछ कर साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या मैं देख रहा हूँ तुम कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी, दूसरे से मैं शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी, बोले तू पहले ही दुनिया को मेरे को दिखा कर दे रहा था मैं कितने सुंदर ही, इसलिए जिसको पास में जाऊंगी वो मेरे को पसंद कर लेगा, भैया मैं तो दूसरे से शादी करके चली जाऊंगी। इसको सुनते ही तो राजा की प्यार को मुझे जमनी खिसर गया, बोलिए ये सोच रही है कब मैं मरू दूसरे से शादी करेगी, अभी सोचा तीसरे से पूछती हूँ। तीसरी कौन थी, जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसकी मीठा मीठा बोली सुनकर बड़े खुश होता था और मन की बात जिसको कहा करता था। राजा सोचा इसको मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि जिसके लिए करोगे आप उसको पूछ सकते हो और जिसके लिए करोगे नहीं फिर उसको क्या पूछोगे। सोचा जब मैं रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ, बोले रानी तू साथ में चलोगी, इतना सुनते रानी तो भड़क उठी, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा, तू जब से तेरे को घर में शादी करके लाए हो कभी तुम लोग खातिर से भी कभी पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल बिंदी है कि पूछा तुमने, जिंदगी भर तो मेरे को पूछा नहीं अब मरने से पहले तू पूछ रहे हो कि मेरे साथ में चलोगे कि नहीं। मीठा बोलने वाली, हाँ मीठा बोलने वाली, हाँ जो मीठी जो बोलने वाली तीसरी नंबर है उसको उन्होंने पूछा तुम साथ में चलोगी, बोले हाँ साथ में चलोगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती, बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे तो मैं दरवाजे से तीन चार कदम आगे तो बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चलूंगी। बोले भैया तुम भी किसी काम के नहीं, दरवाजे तक चलना क्या चलना है, हैं? बोले तुम भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी जिस पर राजा कभी किसी का भी पूछा कि नहीं तेरे पास में कुछ है कि नहीं, लेकिन जब उसको उन्होंने पूछा ना वही साथ में जाने के लिए राजी हुई। बोले राजा मैं तेरे को दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, तुम तो देख लिया जिन्हें तो प्रेम करता था वो जाने के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन मैं तुमको सबसे जीवन में ज्यादा प्रेम करती हूँ तेरे साथ साथ में चलूंगी दुख में दुखी और सुखी में
तुम्हारी साथ में और बिना खाए के तरफ खाना खिला दी। राजा को बड़ा आश्चर्य मिला, बोले जिनके लिए मैंने जीवन दे दिया वो कोई जानने के लिए तैयार ही नहीं, और जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार हुए। हाँ देखो जो कथा है ना, ये कथा है हमारे जीवन की असली कथा है, ये राजा की कथा नहीं। राजा कोई नहीं, हम ही वो राजा है। हमारी ये चार रानियां है, कितने रानियां है? चार रानियां। अब ये चीज को समझो, चार रानी कौन है, हम किसको किसको कैसे कैसे प्रेम करते हैं। जो सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं और वो जिस चीज के मांग करती है उसी चीज को ला कर उसको इच्छा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा उसको पूछेंगे तो जो एक कदम भी जाने के लिए हमारे साथ में तैयारी नहीं हो फिर वो कौन है? आप लोग पीछे जो बैठे बताओ, ये लोग तो सब जानते, तुम लोग तो पूरा नहीं सब जानते हो, जब नए लोग कहो आप लोग बताओ जीवन में किसको सबसे ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो अंतिम समय में हमारे साथ में जो नहीं जाएंगे बताओ कौन बोले? और कुछ बोलो? हाँ शरीर है, इसलिए भैया सही कर दिया, ताली बजा भैया। हाँ देखो ये चीज को अच्छे तरीके सुना चीज को है। प्रश्न होता है कि जो हम कहते ना जीवन में उसको प्रेम करते हैं उसको प्रेम करते उसको प्रेम करते हैं हम कहते ना, लेकिन जो शास्त्र कहता है कि जगत में प्रेम नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, ये जगत में केवल काम ही है, ये जगत में केवल स्वार्थ ही है। वो जो थोड़ी प्रेम बहुत थोड़ी बहुत दिख रहा है वो इसलिए थोड़ी बहुत प्रेम हमें दिखता है क्योंकि आपसे कुछ मिल रहा है, आपसे अभी कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम हमें दुनिया में ये प्रेम हमें दिख रहे हैं। और जो देने को बंद कर दो, जो मिल रहा है किससे कुछ बंद कर दो, देखना वो प्रेम सबसे सब निकल जाएगा। इसलिए देखना आप कैसे हो, जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तो हो, पैसा गन और तो हो। इसलिए फिर प्रश्न होता है हम जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कर अपने आप को, इसी शरीर को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये शरीर हमें जिस समय जो चीज मांग करती है ना, हम उसी समय में ला ला करके शरीर को हम देते हैं, हैं? लेकिन अंतिम समय आया, शरीर से पूछा शरीर साथ में चलोगी? अब तो शरीर साथ में जाएगा कर जब हंसा अकेला उठ जाएगा खाली पिंजरा भरा रह जाएगा, शरीर से जो परमात्मा चली जाएगी, जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं ये शरीर जहाँ के काम होगी वही रह जाएगी, ये साथ नहीं चले। दूसरी आई जो सबसे सुंदर थी, कहते सबसे सुंदरी कौन है? उसने क्या उत्तर दिया? चलूंगी। लेकिन उसने क्या उत्तर दिया था सुंदरी ने? अब बोलो सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? बोले मैं देख रहा हूँ तो तुम मरो दूसरे से शादी करो, यही उत्तर दिया था ना। इसलिए कहते सबसे सुंदरी कौन है? एक कहते ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये पैसा सबसे सुंदर है ना, क्यों पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होगा, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता पैसा के बगैर। इसीलिए पैसा रहेगा तो अच्छे गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे मकान बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे और दुनिया को दिखाएंगे देखो हमारे पास में कितने पैसा है। लेकिन जो पैसा इतने कष्ट से हमने कमाया लेकिन उसने उत्तर क्या दिया, मैं देख रहा हूँ कब तुम मरोगे दूसरे से शादी करोगे, मतलब क्या है? आज पैसा हमारे पास में लेकिन बच्चों का नजर कहाँ पर रहता है? पिताजी कितने प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितने दुकान मकान कहाँ पर है, उनका नजर वहीं पर रहती है। इसलिए शरीर छूटते ही पैसा क्या होता है, झट दूसरे पर नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा अपनी पैसा। इसलिए वो क्या पैसा क्या कहता है, मैं तो देख रहा हूँ तुम मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी, दूसरे से तो पैसा जिसको पास में जाएगा उसको भोग करेगा। इसलिए वो कहता है भैया तेरे साथ में नहीं जाऊंगी, मैं तो दूसरे से शादी करूंगी तो दूसरे को पास में मेरे चली जाऊंगी। मैं अपना गांव की बात हमने देखा, हमारे गांव में जो सबसे जो बड़ा आदमी था ना सबसे बड़ा पैसा वाला, उसको तीन बेटे थे,
किसी बेटे को हिसाब में काम ज्यादा हो गया था, जो पिताजी सहजी छोड़े ना, जिसकी हिसाब में काम था ना, उसने तो डंडा लेकर के आ गया। बोले खबरदार, कोई हाथ सैलरी पर कोई हाथ देगा सर फोड़ दूंगा। पहले पिताजी की जितने कागज पत्र ले आओ और कहां पर कितने प्रॉपर्टी दुकान मकान पहले बंटवारा हो जाए, उसको बाद में ये सैलरी चलाए देंगे। और सतमुच से जब तक तो बंटवारा नहीं हो गया ना, उसको जलने नहीं दिया। और इतने बुरी तरह से उनके संस्कार के, आप लोग भारत ऐसे हो, सबको बुलानी चाहिए, खिला, इतने बुरी तरह से किया। सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति था, किया नहीं, बोले उसको पास ज्यादा पैसा देता वो करेगा, उसने कहा नहीं उसको पैसा ज्यादा पैसा दे वो करेगा। इतने बुरी तरह से उसके संस्कार है, इतने बुरी तरह से। इसलिए जो पैसा, इसलिए पहले हमारे गुरु जी कहते थे भाई ज्यादा पैसा छोड़कर मत जाओ, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा होगी पैसा लेकर के। गुरुदेव कहते थे ये धन कमाओ, भगवान की नाम धन जितना हो सके इसको कमा लो, यही तुम्हारी अंतिम समय में काम आएगा। ये धन दौलत उल्टा पुल्टा काम नहीं जाएगा, बेटा बोना हारेगा तो कमा लेगा, अगर नालायक होगा ना, सब जुआ खेल करके शराब पी करके सब उड़ा देगा। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे ये धन को कमा करके जाओ, जो धन तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं। गुरुदेव ये बात को बारम्बार कहते थे। इसलिए गई दूसरी स्त्री, गई शादी हो गई, दूसरे के पास में चली गई, तीसरी आई जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, हैं? कहती है तीसरी पत्नी कौन है? कहती अपना पत्नी है। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? जिसको सात फेरा लगा करके शादी किया था, बोले चलूंगी लेकिन दर बजा कर चलूंगी। बोले आगे, बोले आगे और तेरे साथ में नहीं जा सकती, दरबार लगा के जा सकती। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं। बोले तेरे लिए आरती से जाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहां पर? बोले संस्थान पर। बोले फिर क्या करोगे? बोले वहीं पर जला करके काटा करते करते वापस चले जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे और नहीं जा सकते, वहीं करते जा सकते हैं। अभी नंबर है चौथे, इसी को ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से, इसको कान खोल कर सुन लो कि जिसको राजा जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहा था, बेकार, ये किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय में जिसको पूछा ना वही जाने की तैयारी। लेकिन जिंदगी भर राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा। बोले भैया जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके किस पर रखेंगे? जो काम में आएगा। बोले भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम। अब किसको बोलो अपना हरि नाम करो? बोले समय कहा हमारे पास में, समय कहा हमारे पास में भजन करने के लिए, हैं? हमारे पास में कोई समय नहीं भक्ति करने के लिए। और जिसका कोई काम धाम नहीं ना, उसको बैठ के हरे कृष्ण करते हैं, वो हरि का नाम वही करते हैं, जिसका कोई काम धाम नहीं है वही करते हैं। हमारे पास में स्मार्टफोन देखना, टीवी देखना, गप्पे मारना, इधर जाना, घूमने के लिए जाना, उसके लिए सब समय नहीं। लेकिन जब प्रभु का नाम के लिए बोला ना, समय कहा हमारे पास? लेकिन आप लोग तो भारत से आए हो, भारत से सबके सब आए हो। अब बताओ हमारे भारत में जब कोई व्यक्ति सैलरी छोड़ता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाता है, आप लोग सुने होंगे ना क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? क्या क्या सुने हो, क्या बोलते उस समय? अरे बोलो सबके साथ, यही बोलते है ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो व्यक्ति है, सब कोई बात झूठा ही बोलते ना। इसको किसको सुनाते हैं? जो ऊपर जो लेटा हुआ है। तो देख बेटा, तेरे साथ में वही जा रहा है, जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है। इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में बिताए, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही है, हैं? शरीर तो जहां पे तहां रह गया, पैसा तो दूसरों के पास में चली गई, पत्नी तो दरवाजा तक आए, परिवार शमशान तक आए, लेकिन उसको आगे क्या जाएगा साथ में? इसलिए मीरा गाती है ना, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब तो अपोल कर दिन मेरे साथ दो सदा सदा।
इसलिए इसको कोई ले नहीं सकते, चोर नहीं ले रहे, लुटे नहीं जा रहे, फूटे नहीं जा रहे। अब अंतिम समय में यही धन ही आपको पूरा पूरा बाला ही माल इस धन में मिलेगा, है यही धन मिलेगा। इसलिए आप लोग बताओ तो जो पीछे बैठे हो, ये चार रानियों में सबसे कौन रानी को ज्यादा प्रेम करो, बोलो जो पीछे बैठे हो आप लोग बोलो। कौन सा लगी, कौन कौन बोल रहे हो, सभी बोल रहे हैं, इनकी खाली हो जाए समझ लो। जो चौथी वाली हमारे काम में आने वाली है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए क्या करनी चाहिए, इधर सुनो, इसलिए चौथी वाली करना मतलब आज से है ना, क्या करो भगवान की भक्ति में लग जाओ। इसलिए कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। इसलिए कल में कड़ाई वही भी बहुरी रहेगी कब। इसलिए जो अच्छे चीज को क्या होता है, जितने शीघ्र प्रभु नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, देखो इसमें जो हरे हरे शब्द है ना, ध्यान से सुनो, जो हरे शब्द है, हरे मतलब होता है हमारे जीवन का जितने दुख कष्ट को जो भर ले, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्ण मतलब होता है, अब देखना कभी कुछ संसार में सब कुछ है लेकिन कभी मन को शांति नहीं मिलती, घर में सब कुछ हमारे घर में किस चीज की कमी नहीं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, ये जो कृष्ण शब्द है जो मन को शांति देने वाली मतलब आकर्षण करना, सुना मतलब आनंद देना, जब ये कृष्ण नाम लेगी ये अशांत मन को जो शांति देगी। राम मतलब क्या है, बोले जीवन को जो आराम दे, क्या दे जीवन को बताओ, संसार में हम क्या चाहते हैं, ये तो चाहते ना दुख दूर जाए, मन को शांति मिले, जीवन में आराम मिले, हम यही चीज चाहते हैं ना। अब क्या चाहते हैं, यही चीज चाहते हैं। अगर जीवन में ये चीज चाहते हैं क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम को हमें जप करनी चाहिए, इसी नाम से ही हमें मन को शांति और सुख मिलेगा, ठीक है। सब हरि नाम करो। देखो जो परिवार, जिस परिवार में आप आए हो भैया, परिवार का मालिक कौन है, किधर आप हर माल क्या है, कौन है, इधर से आ जाओ, आ जाओ यार, तुम दोनों आ जाओ, पति पत्नी इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो इनको देखो, हम घूम घूम कर खड़े होते हैं, खड़े हो, देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों को देख लो, देखो ये दोनों तिलक लगाए, देखो ये तिलक लगाए ना, देखो दोनों, देखो गले में इनकी तुलसी की माला है, हैं? और ये भगवान की भजन भी करते हैं, हरिनाम करते, इनका बेटा कहाँ है यार, बेटा कहाँ पढ़ रहे हो, इनका जो पूरा बेटा है ना, इनका पूरा परिवार भगवान की भक्ति करते, भजन करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते, पूरा पूरा परिवार, शास्त्र कहता है इनकी माता जी 1,00,000 करती है, इनकी माता जी 1,00,000 करते, 3,00,000 हरिनाम किए, थाली बजाने के लिए माता जी ने तो किसी ने 3,00,000 करने जो की बात उन्होंने मेरे छुपा करके बोले, मतलब मैं किसको बताया कि मैं कहां रहा हूं, आप तो बता रहे हैं, मैं 3,00,000 उनकी गिरजा का किसी ने मैंने 3,00,000 मैंने हरिनाम किया है। अंतिम समय में यही घर काम में आएगा, जिस घर में प्रभु का भक्ति पूजा हो ना वो घर नहीं वही वृंदावन धाम बन जाए, भगवान की धाम बन जाती है। अगर फिर भक्ति नहीं करेंगे फिर क्या होगा जानते हो, धीरे 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 क्योंकि बेटा भी भक्ति करता है, फिर हम लोग तो भारत से आए हो अच्छे संस्कार लेकर के आए, लेकिन अभी विदेश में आए ना, देखना धीरे धीरे बच्चे सब गलत रास्ता पर चलना शुरू कर देंगे, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देंगे बच्चे लोग है। और जिस घर में भक्ति के संस्कार हो वो घर भगवान के धाम बन जाएगा, इसलिए आप लोग हरिनाम करो, भक्ति करो और जीवन में सुखी रहो और जीवन में आनंद ले रहो, ठीक है सब। और जो जो पीछे जो माताएं गई प्रकाश माला लाए हो, लाए प्रकाश करो जी, प्रकाश करो, नहीं लाए घर में, घर में ले गए क्या माला उसकी, इसलिए हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। हाँ जिनकी इच्छा होगा हम माला जप करना चाहते हैं, माला जप करना चाहते हैं, माला ले लेना और माला लेकर सबके सब हरिनाम करना, जो पीछे जो गोपियां बैठे हो जाते समय एक में माला ले लेना, ठीक है, एक में माला लेकर के भजन करो, बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाओ, ठीक है ना, सब भक्ति के भगवान के नाम से सब सुख शांति मिलेगा, ठीक है। प्रभु जी आज किसका जन्मदिन है,
हाँ, इनको अपना वेद मंत्र से इनको अपना आशीर्वाद दे दे। आप ही प्रभु जी खोल दे दो तो सब खोल दे दे।
जो गाड़ी ना दो पहिया में चलती है, एक पहिया में नहीं, लेकिन ठाकुर जी का आशीर्वाद दोनों पहिया बढ़िया है, दोनों पहिया ठाकुर जी की भक्ति करने वाले, भाग्य से ऐसे पत्नी और पति मिलते हैं जो दोनों भगवान की भक्ति करने वाले, सब का आशीर्वाद हो। गायत्री महाराज का माला और ठाकुर महाराज का आशीर्वाद हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राज महाराज की जय, गाय गौ जगत की जय, और ठाकुर महाराज का कृष्ण का और महाराज का बेटा है, क्या बेटा है हम महाराज आप लोग ने आशीर्वाद दिया कि